हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? जब भी हम अपनी किसी विश को यूनिवर्स के आगे रखते हैं तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अपनी विश से रिलेटेड फीलिंग को पकड़ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाता है कि जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उस फीलिंग में आ जाए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। और जब आप उस फीलिंग को पकड़ लेते हैं कि जो आपकी विश है वो ऑलरेडी आपके पास है, तो वो विश धीरे धीरे आपके पास आने लगती है और आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। होता क्या है, कई बार हम लोग जब किसी विश को एफएम करते हैं, जब किसी विश को यूनिवर्स के आगे रखते हैं, तो हम उस वक्त तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं, बहुत पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पॉजिटिव रहकर ही हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त जो हमने फीलिंग दे दी बहुत पॉजिटिव होती है। लेकिन कई बार क्या होती है, हमारी विश लेट हो रही होती है या हम डेस्परेट हो जाते हैं, वेटिंग मोड में चले जाते हैं, तो हम उस फीलिंग को छोड़ देते हैं या हम नेगेटिव होने लगते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि जैसे जैसे आप अपनी फीलिंग से दूर होते जाएंगे, आप अपनी विश से भी दूर होते जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस फीलिंग को पकड़ कर रखें, क्योंकि वो फीलिंग ही फ्यूल का काम करती है, आपकी विश को आपके पास लेके आती है। तो करना क्या है, जब आप इस सिचुएशन में आए, आपको ऐसा लगे कि आप उस फीलिंग से, जिस फीलिंग में आपको रहना है, दूर होते जा रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और जब भी हम उन यादों में जाना चाहते हैं, उस फीलिंग में दोबारा लौटना चाहते हैं, जब हम कहीं घूमने गए थे, तो हम उन पिक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं, उन यादों में खो जाते हैं। तो एक इसी टाइप की ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसको आप यूज़ करके देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको आपकी खोई हुई फीलिंग में दोबारा लेके आने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, बहुत जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करने के लिए। तो करेंगे क्या, सिंपल एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है। जब भी आप विश मांगते हैं, आप कब मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें? पहली बात, जब आप बहुत पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव हैं तो पहले खुद को हील करें, कोई मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक ना करें। जब आपको लगे आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तब आप प्रोसेस टेक्निक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं या टेक्निक को स्टार्ट करने वाले होते हैं, क्या करें? जो फीलिंग आपको देनी है, आप अपने फीलिंग को अपनी विश से रिलेटेड देते हैं। सपोज आप बीमार हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं, आप पहले से ही ये फील करना स्टार्ट कर दो कि वो चीज़ आपके पास है। तो आप क्या फील करेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं, एकदम फिट हैं, ठीक है? तो आप जब ये फील कर रहे हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, आपको इस फीलिंग को कैद करके रखना है। कैसे कैद करेंगे? यूज़ करिए अपने मोबाइल फ़ोन को या किसी भी रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे पास हमेशा होता है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए। जब भी अच्छे मूड में होंगे, जब भी हाई वाइब्रेशन में होंगे, जब भी आप उस फीलिंग को जी रहे होंगे कि यस आई एम फिट, आई एम हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दो। जो फील कर रहे हो उसको बोलना स्टार्ट कर दो, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग फिट, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग एक्टिव, I'm feeling energetic. Thank you, thank you, thank you, universe. Record कर लिया, रख लिया अपने पास। जब भी आपको लगे आप अपनी फीलिंग से दूर जा रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी हेल्थ को, तो बहुत ज़रूरी है आपको उस फीलिंग में रहना कि आप हेल्दी हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप उस फीलिंग से दूर जा रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और वो चीज़ सुनना स्टार्ट कीजिए। वो आपको दोबारा उस फीलिंग में लेकर आएगा,
सपोज आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई भी रिश्ते को हील करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जब मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या मैनिफेस्ट करते हैं, क्या टेक्निक करते हैं? आप बोलते हैं, मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया, हम दोनों फिर से साथ हो गए, हमारे बीच बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करोगे ना, बोलना स्टार्ट करोगे ना, नई नई बातें आएंगी। बोल दो, आंखें बंद करो, फील करो, उस फीलिंग को कैद करके रख लो, और जब भी लगे कि उस फीलिंग से दूर जा रहे हो, या उस इंसान के लिए कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहा है, फ़ोन उठाओ और रिकॉर्डिंग चालू कर दो, सुनना चालू कर दो। ये चीज़ आपको दोबारा उस फीलिंग में लेकर आएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप उस फीलिंग को पकड़ के रखें, ताकि आपकी विश आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए। तो ये तरीका अपना कर ज़रूर देखिएगा। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि दो दिन तीन दिन बहुत अच्छी फीलिंग में रहे, कर दिया, चौथे पांचवे दिन नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, अब क्या करें, विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, डेस्परेशन आ रही है अपनी विश को लेकर, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप उस फीलिंग को पकड़ के नहीं रख पाते। तो जब ये टेक्निक आप करेंगे, जब भी आपको लगेगा कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, आपके विश के अगेंस्ट जा रहा है, आप सिंपली उस रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू करो, ईयर प्लग लगाओ, आंखें बंद करो, और उस फीलिंग को दोबारा अपने अंदर लेकर आओ, ताकि जल्द से जल्द आपकी विश मैनिफेस्ट हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।